लूका रचित सुसमाचार अध्याय एक। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी ये उचित लगा कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ही ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, कि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलीशिबा बांज थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। प्रभु का एक स्वर्ग दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशवा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। वो प्रभु के सामने महान होगा। वो दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वो इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा और एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। लोग जकरिया की बाट जोते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। और वो उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रहा। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कहकर छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी,
यह किस प्रकार का अभिवादन है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरी एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और देख, तेरी कुटुंबनी इलिश्वा की भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठवा महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई, और जकरयाह के घर में जाकर उसने इलीशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है, ये अनुग्रह मुझ पर कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया, और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट आई। तब इलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ, और वो पुत्र जनी। उसके पड़ोसी और कुटुंबी ये सुनकर के प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है उसके साथ आनंदित हुए, और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखने लगे। उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा, तू उसका क्या नाम रखना चाहता है? और उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया
उसका नाम यूहन्ना है। इस पर सबों ने अचंभा किया। तब उसका मुंह और जीभ खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, प्रभु इसराइल का परमेश्वर धन्य हो, उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला है, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वो शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इसराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा।